तो उत्तराखंड का मामला आज ये मामला आ गया। चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2018 में ही कह चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। अभी जो ये एक और फैसला आया है, जैसे CA NRC का आंदोलन हुआ, CA NRC अगर लागू हो जाता तो सर ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि SC ST और OBC लोगों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, वोट देने के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। मुझे भी वहाँ के कुछ लोगों ने अप्रोच किया, जैसे ही वो मेरे पास आएंगे हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सबसे मजबूती से लड़ेंगे, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन देखिए, मैं ये बार बार बात कह रहा हूँ कि हम लोग अदालतों पे सिर्फ 20% निर्भर रहने चाहिए। अभी अपना कोई भी अधिकार लेना है तो संवैधानिक रूप से 80% जो हमें अधिकार मिलेंगे वो मिलेंगे संघर्ष के जरिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए। तो उत्तराखंड का मामला आज ये मामला आ गया। चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2018 में ही कह चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। अभी जो ये एक और फैसला आया है नोटबंदी के विषय में, वो फैसला भी आप लोगों ने देख लिया है। तो अदालतों के ऊपर 20% से ज़्यादा अगर विश्वास रखा जाएगा तो मैं समझता हूँ जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं वो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो समझने का है, आपने कहा कि मुसलमानों के ऊपर ये देहरादून में ऐसा हो रहा है रेलवे की ज़मीन, ऐसा नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर अपने घरों से किसी समुदाय को निकाला जा रहा है तो वो ट्राइबल कम्युनिटी है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जंगल और उनके रहने की जगहों पे ट्राइबल्स के छीन रहे हैं ना सब जगह। तो ये जो उत्तराखंड में हुआ है ये भी उसी की कड़ी है। रेलवे प्राइवेटाइज होने जा रही है, कौन? ये अडानी अंबानी और जो धन्ना सेठ हैं जो रेलवे की जो प्राइवेटाइज रेलवे को लेंगे, ये इन सभी ज़मीनों को अपने मकसद के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इस प्रकार की सरकारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उसी प्रकार की जजमेंट्स भी आ रही हैं, ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उनको जो ज़मीनें मिली थी चाहे वो 20 पॉइंट प्रोग्राम में हो या दूसरे स्कीम से जो मिली थी, वो सब क्या नहीं छीनी जा रही? तो सभी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को, सबको, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध को, OBC के लोगों को इकट्ठे होके बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। नहीं तो आप असम में देखिए, असम में इससे ज़्यादा जुल्म हो चुके हैं। असम में बंगाली भाषी लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं असम सरकार द्वारा। ये पूरे देश का हाल है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, वो देश की हर एक कमज़ोर व्यक्ति के, हर एक गरीब व्यक्ति की ज़मीन छीन कर अपने पास लेना चाहते हैं। किसान बिल क्यों आए थे? किसानों की ज़मीन छीनने के लिए। तो ये बचा कैसे? CA NRC कैसे बचा? अदालतों से बचा? नहीं, अदालतें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटबंदी में कहा है कि जो नुकसान होना था वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? तो अदालतों की मजबूरी हमें समझनी चाहिए, बल्कि अदालतों के पक्ष में भी हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, अदालतों के समर्थन में पब्लिक को इकट्ठे होकर आना चाहिए और उनको मजबूती देनी चाहिए। लेकिन अगर अधिकार लेने हैं तो जैसे किसान आंदोलन हुआ, जैसे CA NRC का आंदोलन हुआ, CA NRC अगर लागू हो जाता तो सर ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि SC ST और OBC लोगों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, वोट देने के अधिकार पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। अगर किसान बिल लागू हो जाते तो किसानों की ज़मीनें जिस तरीके से खरीद लेते ये सारे इंडस्ट्रीज, ये होने जा रहा था। आज भी वही स्थिति है, खास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और SC ST और माइनॉरिटीज़ के लोगों को अगर अपनी ज़मीन, घर, अपने राइट्स बचाने हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, दिल्ली में करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, मिलके करना पड़ेगा, उसी तरह से जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसी तरह से जैसे CA NRC के प्रोटेस्ट हुए, वरना आज नहीं तो कल ये काम होना है, सबके साथ होना है, सब ये बात जान। तो क्या आप उत्तराखंड के तमाम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे सर? देखिए, मैं वकील हूँ, मैं कुछ वकीलों ने अभी केस फाइल किए हैं, मुझे भी वहाँ के कुछ लोगों ने अप्रोच किया है, जैसे ही वो मेरे पास आएंगे हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और सबसे मजबूती से लड़ेंगे, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वो सिर्फ 20% होगी, 80% लड़ाई पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए होगी, 80% अधिकार हमें पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए मिलेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ये सरकार आज
हजारों किलोमीटर जगह चाइना हमारी छीन के ले गया। ये सरकार वो ज़मीन तो नहीं बचा पा रही जो हमारे यहाँ के नागरिक जो ट्राइबल्स थे हजारों हजारों साल से अपनी ज़मीन पे बैठे हैं, वो छीन सकती है। चाइना से अपनी ज़मीन वापस नहीं ले सकती ये सरकार। पाकिस्तान सारी जो कश्मीर में और दूसरी जगहों पे वहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं वो आके रोज़ हमारे लोगों को मार रहे हैं, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। हाँ, हमारे देश के जो गरीब लोग बैठे हैं उनको मरवा सकती है, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार करा सकती है, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के लोग हों, चाहे वो ओबीसी के लोग। सर, मध्य प्रदेश के खंडवा में 10 साल के बच्चे को मार के जय श्री राम मरवाया है। मध्य प्रदेश में एक और घटना हुई थी कि एक प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को इतनी बुरी तरीके से मारता है, उसमें धारा 151 लगती है, उसके बाद नॉर्मल केस बता दिया जाता है, तो ये सब हो क्या रहा है? मैं बता तो रहा हूँ, पाकिस्तान हमारे देश में कश्मीर में आतंकवादी रोज भेज रहा है, कल भी 4 लोग 5 लोग मारे गए। ये सरकार उनको नहीं रोक सकती, उन आतंकवादियों के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार सकती है, उनसे कोई भी बात नहीं कहलवा सकती। जय श्री राम तो छोड़िए, कुछ भी नहीं कहलवा सकते उनसे। उनको कुछ करने की हमारे अमित शाह जी में ताकत नहीं है। आतंकवादी आके हमारे देश के अंदर लोगों को मार रहे हैं कश्मीर में, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अमित शाह जी एकदम चुपचाप बैठे हैं हाथ जोड़ के। हाँ, हमारे देश के 10 साल के बच्चों को हमारी देश की एक बीजेपी के एक नेता ने, अभी वो केस दिल्ली का आपने देखा है, एक महिला को चक्कर लगा सकते हैं वो मीलों मीलों तक, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारी पुलिस भी नहीं करेगी, अमित शाह जी भी कुछ नहीं करेंगे, उनको बचाएंगे। हमारे देश के एससी एसटी लोगों के ऊपर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा, उन अत्याचार करने वालों के ऊपर। हाँ, ये 10 साल के बच्चों के ऊपर जुल्म करने की ताकत मनुवादियों में ही हो सकती है, और मनुवादी कमज़ोरों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके ऊपर। ना चाइना के खिलाफ कुछ कर सकते हैं ये, हमारे देश की सेना अधिकारी क्या कह रहे हैं, हमें सिर्फ इशारा कर दे सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री इशारा कर दे, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस ले लेंगे, कह रही है ना सेना हमारी। क्यों नहीं कह रहे ये बुजदिल प्रधानमंत्री ऐसा? सेना को सिर्फ एक कहना ही तो है, फ़ोन करके या एक हस्ताक्षर करने हैं ना, क्यों नहीं कर पा रहे हमारे ये बुजदिल प्रधानमंत्री? हाँ, ये जुल्म करने के लिए वो लोग तैयार हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के ऊपर। अगर इस देश की जनता को, इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को अपने अधिकार खड़े लेने हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, वरना ये रोज़ 10 साल के बच्चों के साथ जुल्म होगा, महिलाओं के साथ जुल्म होगा, हर कमज़ोर के साथ जुल्म। अभी हमारे सोशल मीडिया के साथी जो आए हुए हैं, समता सेंदल के आयोजन में आप सम्मानपूर्वक बुलाया गया आपको, मैं उसका दल का राष्ट्रीय मुखिया होने के नाते हमारे बीच में हमारे अतिथि हैं। अभी आपने सुना होगा ये तमाम जो घटनाएँ घट रही हैं केवल महिलाओं पर नहीं, पूरे भारत में संविधान को खत्म करने का पूरा योजना बना करके यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था कायम करने की तैयारी चल रही है। इन तमाम चीज़ों के लिए ही हमने ये आयोजन किया है। भारत में महिलाएं ताकतवर बने, बाबा साहब द्वारा स्थापित ये जो समता सैनिक दल, जब वो दूसरे लोग शाखा लगा लगा करके सुबह पूरे भारत में तो भारत के सिस्टम पर कब्जा कर सकते हैं, उसी शाखाओं की प्रक्रिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र से समता सैनिक दल के माध्यम से 1924 में शुरुआत किया था। बाबा साहब ने कहा था, मेरे देश के लोगों, आपके पास संख्या बल बहुत है, आपके पास कर्म बल बहुत ज़्यादा है, श्रमिक ताकत सबसे ज़्यादा आपके पास है, हमारे पास श्रमिक ताकत और अपने जितने भी जनसंख्या है उसको भी ताकत मान करके बेस बनाकर चले तो पूरे भारत में मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। हमें कमी इस बात की है कि हम तमाम लोग इकट्ठा कैसे हों, और हमारे ही ताकतवर लोग, हमारे ही कर्मशील लोग सुबह उठ के जाते हैं और उनकी शाखाओं के ताकत बनाने का काम करते हैं, हम उन्हें कैसे रोकें? रोकने के लिए बाबा साहब ने विकल्प ये समता सैनिक दल देकर जा चुके हैं। हमारा ये संकल्प है आज इस दिन पर जो माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है कि सावित्रीबाई फुले जी आपको किन किन कारणों से रोका? केवल इसलिए कि भारत में महिला समानता के साथ ना रह सके, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समानता के साथ नहीं रह सके, आज भी बराबर प्रयास है पूरे भारत के अंदर में। हम समता सैनिक के लोग ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब आपके बनाए हुए संविधान को भी सुरक्षित करने का काम सामूहिक रूप से पूरे भारत के तमाम दल के लोग समता सैनिक इकट्ठा करने का काम करेगा। आदरणीय महमूद प्राचा जी ने आज संकल्प लिया आपके सामने, वो समता सैनिक के लीगल सेल के रूप में, मुखिया के रूप में पूरे भारत के अंदर में एक एक ऐसा कार्यक्रम, ऐसी योजना बनाकर हम आगे बढ़ेंगे जो बाबा साहब के मानने वाले तमाम भारत के लोग इकट्ठे हों, समता स्वतंत्रता न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो सके। मनुवाद जो विषमता पर आधारित है, जो मनुवाद इस देश के अंदर जुल्म करने पर आधारित है, वो तमाम सिस्टम खत्म हो सके। हम तमाम दल समता सैनिक लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, और आपने देखा पूरे राजस्थान हो, दिल्ली हो, सब जगह से
हमारी प्रोफेसर्स, हमारी बहनें, हमारे भाई एडवोकेट्स और भी बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स जो बुद्धिजीवी हैं वो यहाँ अंबेडकर भवन जो समता संघ मुख्यालय है इकट्ठे हुए हैं और सबने संकल्प आपके सामने लिया है। आपसे निवेदन है क्योंकि आप जो काम सोशल मीडिया के माध्यम से इतना खुल कर कर बहादुरी से कर रहे हैं वो बड़े बड़े धन्ना सेठ कोई कर नहीं पाता किसी भी कीमत में। समता संघ आपको सपोर्ट करेगा, आपको ताकत देगा, आप दल के कार्यकर्ता बन के साथी बन के इन तमाम विचारों को आगे फैलाने का काम करें, ऐसा हमारा नम्र निवेदन है। और आपसे जय भीम जय भारत करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं तमाम साथियों का, दल की तरफ से स्वागत करते हैं। लेकिन उस तरीके का वर्चस्व दिख नहीं रहा ना समता सैनिक दल का, तो लोग फिर आरएसएस आरएसएस की शाखा में ही जाएंगे ना। देखिए साहब ये तो काम करने से होता है जी। बाबा साहब अकेले ने, देखिए भगवान तथागत बुद्ध ने अकेले ने परित्याग किया था, केवल उनका परिवार भी उनके साथ नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ने संघर्ष किया था, उनके परिवार के तमाम जितने भी रिश्ते नाते के लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं थे। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शरण लेनी पड़ी थी अपने वर्षा से रोकने के लिए, तो एक मुस्लिम भाई ने शरण दी थी, किसी हिंदू ने शरण नहीं दी थी। इसलिए कोई काम करिए तो सही, एक चिंगारी जो होती है वो बहुत सारे अंधियारे को दूर करने के लिए सक्षम होती है। समता संघ पूरे भारत में एक है, पूरा ताकतवर है, केवल इसको ताकत देने की जरूरत है, संयोजित करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग अगर सही दिशा में चलें, हम लोग सही विल पावर के साथ चलें, तो हमारे 500 महार जवानों ने उस भीमे कोरे गांव के अंदर में 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी, खत्म कर दिया था। ये इतिहास है भारत का, इसलिए बात संख्या की नहीं है, बात है विल पावर के साथ लक्ष्य पर समर्पित होकर के काम करने की। हमने संकल्प लिया है, ये जो बाबा साहब का 26 अलीपुर रोड आप दिखता है ये समता संघ के संघर्ष का फल है। ये जो संसद में सलूट करते हैं राष्ट्रपति से पहले, ये परंपरा डाली है, ये समता संघ का कारण है। आज जो आरक्षण मिलता है पूरे भारत में, बाबा साहब 1927 में 5,000 समता संघ के जवानों के साथ महाज के तालाब पर संघर्ष नहीं करते तो आरक्षण नाम की चीज भारत में स्थापित नहीं होती। ये समता संघ की देन है, काम कमी की और किसी की है तो नेतृत्वकर्ताओं की है, कमी है तो समाज की है। इतने बेहतरीन संगठन को वो लोग लेकर के क्यों नहीं चल रहे हैं, इस बात पर विचार करना है। हम तमाम साथी मिलकर काम करेंगे तो अनिवार्य समता संघ गांव तक पहुंचेगा, समता संघ बिल्कुल पहुंच रहा है। बिल्कुल जो नेता देश में उभरे थे 50 साल, नाम लेने नहीं चाहता हूँ, वो बर्फ में बैठ गए, उनकी वजह से समाज में उदासी आ गई, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए और एक मिनट, और इस देश के जो मनोभाव ने सोच रखा है कि दलित समाज के आदमी को आगे नहीं बढ़ने देना है, उसका मुकाबला कैसे करना है, अपनी चीज पर जो है प्रकाश कर। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर हम अपने अंदर के गद्दारों को, डरपोक नेताओं को और ज़मीर फरोश नेताओं को, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, आपने देखा होगा मैं अपने समाज के इस प्रकार के नेताओं के खिलाफ किसने ताकत से बोलता हूँ, उसी प्रकार से समाज बहादुर है, एससी समाज बहादुर है, एसटी समाज बहादुर है, ओबीसी समाज बहादुर है, मुस्लिम समाज बहादुर है, सिख समाज बहादुर है, क्रिश्चियन समाज बहादुर है, बुद्ध समाज बहादुर है, लेकिन इनके नेता बिक गए हैं, तो हमें ऐसे नेताओं को बेनकाब करने का अगर हम काम करेंगे, उनके मुंह काले करने का काम करेंगे तो हमारी आधी लड़ाई हम वैसे ही जीत जाएंगे। ये एक मिशन के तौर पे हम सबको करना चाहिए कि जो समाज से, देश से, भारत के संविधान से गद्दारी करके मनुवादियों के साथ हाथ मिलाएगा उसका हम मुंह काला करेंगे, उसका हम बहिष्कार करेंगे, ये हमें करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, फिर कोई अपना ज़मीर बेचने की हिम्मत नहीं करेगा, फिर कोई बुजदिली दिखाने की हमारा नेता हिम्मत नहीं करेगा। समाज हमारे इतने ताकतवर हैं, सिर्फ नेता ही भटका रहे हैं उन्हें, नेता ही उन्हें बेच रहे हैं समाज को, नहीं तो समाज इस देश को 5 मिनट में ठीक कर देंगे। बहुत अच्छा, इतने बहादुर हैं हमारे समाज। ये समय एक मिनट देखिए, ये समस्या इसलिए आ रही है, एक मिनट, ये समस्या इसलिए वजह से आ रही है, आरक्षण सब मांग रहे हैं लेकिन लड़ाई एससी एसटी लड़ रहा है, सब अलग अलग। जब हम ये मान के चल गए समाज में कि ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या मुसलमान के, अल्पसंख्यक की है, ये शेड्यूल कास्ट की है, बैकवर्ड की है, तो हम लोग एक जगह नहीं हो पा रहे, इस वजह से दिक्कत आ रही है। एक उदाहरण है, एक
एक घर में एक चूहा भी था और एक कबूतर और एक बकरा, तो उनको समस्या नहीं आती इस तरह की। जब उस दिन पिंजरा आ गया घर में चूहा पकड़ने के लिए, तो चूहा कबूतर के पास गया, चूहा बकरे के पास गया कि भैया पिंजरा आ गया है, समस्या आ गई है, मुझे बचाओ, आपको भी बचाओ। कबूतर कहने लगा मेरी तो समस्या नहीं है ये, मेरा मैं तो पकड़ा नहीं जाऊँगा। बकरे के पास गया, बकरा और जोर से हंसा कि मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो वैसे नहीं आने का इसमें जाल में। लेकिन जब हुआ, जब पिंजरा लगा दिया गया, तो चूहा फंस गया। जब चूहा फंस गया, जिससे परेशान थे वो लोग, उन्होंने दावत का प्लान बनाया। उन्होंने कहा भाई दावत करनी है, उन्होंने दावत करनी है तो कबूतर को पकड़ लो। कबूतर की दावत कर दी, कबूतर ख़त्म कर दिया, उस पिंजरे की वजह से कबूतर ख़त्म हुआ। फिर और लोग उन्हें बधाई देने के लिए आए, ज़्यादा तो रिश्तेदार, कि आप किस अब कैसे करें दावत के लिए, क्या मुर्गे की दावत कर दो, मुर्गे की बजाय बकरे की दावत कर दो। तो बकरा भी गया, कबूतर भी गया, चूहा भी गया। इसलिए समाज के साथ आज यही हो रहा है कि समाज अलग अलग हो के, कि माइनॉरिटी की समस्या है, ये सलकाट की समस्या है, आरक्षण सब मांग रहे, जाट समाज आरक्षण मांग रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। EWS का आरक्षण बिना मांगे दे दिया 10%। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आरक्षण कहाँ से दिया जा रहा है। इसलिए समता सैनिक दल जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, ये पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, पूरी ताकत के साथ कर रहा है। इसलिए इन तमाम चीज़ों पर आज ये मनन किया गया है कि हम लोग एकजुट होकर, समस्या सबकी एक जैसी है, समस्या को एक जैसा करने के लिए हम लोग ताकत के साथ, समता सैनिक के साथ, पूरे विद्वान लोगों को एकजुट किया जाएगा उसी भवन से। ये भवन बाबा साहब का है, बाबा साहब के हाथ का है, इसलिए सबको एक साथ लेके एकजुट होकर ये किया जाएगा लोन मिलकर। तो मैं यही कहूँगा इसमें कि सब लोग एक साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।